करने के रास्ते में रुकावटें डालना। क्यों ऐसे हो रहा है? ये क्या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? कोई बीमार हो जाए कैसे अस्पताल जाए? इतनी रुकावटें खड़ी करना, ये कहां का काम है? जंगल में रहते हैं इंसानों के लिए ऐसे होता है? ये कानून का मिसयूज भी कानून की बेहरमती है और कानून की खिलाफवर्जी है। मुजरिम है वो शख्स जो कानून को मिसयूज करता है, इख्तियारात और पावर को मिसयूज करता है। आप ये कहते हैं आइन में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह की है, पाकिस्तान का आर्टिकल आइन कहता है अल्लाह की हुकूमत, तो ऐसे हुकूमत करें जैसे लगे अल्लाह हुकूमत कर रहा है। अल्लाह मारबो कबीद, खुदा जुल्म नहीं करता अपने बंदों के ऊपर। इतनी कुदरत रखने के बावजूद वो गला नहीं घोटता, वो स्पेस देता है, वक्त देता है। लेकिन यहां सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारा इस्लामाबाद एक जजीरा बन गया। कानून साजी जो इस्लामाबाद के लिए हुई है, 3 साल सजा आपने जलसा किया, परमिशन नहीं मिली। यहां परमिशन कैसे देते हैं? पीटीआई को 9 मई के बाद आपने इस्लामाबाद में कितने अरसे बाद इजाजत दी है? उनका क्या यह बुनियादी हक नहीं था? आप मुल्क को सही तरह से चलाएं, कोई पाकिस्तान के अंदर हम आगे इधर हमला नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक जमात का हेड हूं, हमने इतने धरने दिए, इतने एहतजाजात किए, कभी कोई दरख्त का पता नहीं तोड़ा हमने। सिविलाइज तरीन इसी ऐवान के अंदर चौधरी निसार अली खान ने दाखिला थे, उन्होंने हमारी तारीफ की। हमने 5-5 दिन धरने दिए हजार हजार जगह के ऊपर। अवाम के ऊपर जो हुकूमत डिपेंड करती है वो अवाम से नहीं खौफ खाती। अभी मुझे तकरीबन यहां पहुंचने में 45 मिनट लगे हैं, यहां आने में घर से यहां तक। इधर है पहले सरीना होटल बंद है, उधर चले जाओ मेरिट की तरफ बंद है, फिर उस तरफ से जाओ, फिर वो पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? ये इंसल्टिंग रवैया क्यों है हमारे साथ? ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से देखें, पाड़ा चिनार के अंदर 50 आदमी मारे गए हैं, 50 आदमी। क्या ऐवान में बात हुई उनके ऊपर? बेगुनाह मारे गए। 35 कनाल का झगड़ा है और 50 बंदे मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। कोई बात नहीं हो रही, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लोग परवाही नहीं है। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, कुरान कहता है। इतनी लाताल्लुकी अपने अवाम के साथ, वो मेरे वतन के बेटे मारे गए हैं, कोई परवाह नहीं है। हम क्या यहां पर बैठे हैं? मेरी बहन कह रही थी कि डॉन अखबार के अंदर ऐसी खबर, ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो इंसल्ट है हमारे अवाम की। क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? हम अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं नजर आते। लिहाजा मेरी गुजारिश है, फिर कानून साजी ऐसे कानून हो रहे हैं जैसे पलक झपकने में ऐसे कानून बनाए जाते हैं? ये कानून बनाने का तरीकाकार है? मेरे ख्याल में जुल्म हो रहा है कानून के साथ भी, कि आप सिलेक्टिव कानून बनाए फलां बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए, फलां को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर, वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क चीख रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड भी कर रही, पैरालाइज है। और वाकया जो जलसा हुआ है कल, खुदा गवाह मैं खुद उस जलसे में गया हूं, इतना मुश्किल था वहां पहुंचना जिसकी इंदाद नहीं है। बात सुन ले, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। मैं कभी नहीं बोला किसी की बात में, आप मुझे कुछ सारे गालियां देते हैं, कौन है जो गाली नहीं देता है? मैंने किसी को गाली नहीं दी आज तक, ना कभी दूंगा, ना अखलाक से गरीब बात करूंगा। प्लीज एड्रेस द चेयर और प्लीज वाइंड अप कीजिए। आप इन्हें रोके, देखें इसका माहौल ही होना चाहिए जी। अब माहौल दोनों तरफ से ही ताली बज रही है ना। देखें मैं रोकना चाहिए, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टीच भी करती है अखलाक और कदरे। अगर हम अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और एहतराम से बात नहीं सुनेंगे, इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात एहतराम से सुने। अगर आपके पास लॉजिकली कोई जवाब है आप जवाब दो। इंसल्ट करना, तोहिन करना, बीच में बोलना, ये कोई वो चीज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहरमती, अभी हमारे जायरीन पाकिस्तान से गए इराक, हमारे जायरीन चाहे बाई एयर गए चाहे बाई रोड गए, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ले लिए गए, पासपोर्ट ले लिए गए उनसे।
हमारी हुकूमत को चाहिए पूछे कि हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट क्यों लिए जाते हैं, इंसल्ट की जाती है ये। फिर जब लोग वापस आने लगते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनकी फ्लाइटें मिस होती हैं। ये हमारी तोहीन है पाकिस्तानियों की। कितने लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते, भाई रोड जाते हैं, ईरान से इराक मैन होते हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। हज़ारों लोगों के पासपोर्ट जब वापस पता नहीं किसी बोरी में रखते हैं, किस में रखते हैं, वापसी पर मिलते ही नहीं है। मैं वहाँ के अभी गया हुआ था, वहाँ के बस हुकूमती लोगों से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि आप अपनी हुकूमत से कहें, ऑफिशियल से कहें, आके बात करें। ईरान के ज़ायरीन आते हैं 6-7 महीने पहले, उनकी वजारत दाखिला, वजारत खारजा सारे मिलकर काम करते हैं अपने ज़ायरीन के लिए। सेनेटर साहब, आपने बहुत अहम बात उठाई है, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके हुकूक हमारा पहला फ़र्ज़ होता है। जो ओवरसीज़ कमेटी है ये इशू वहाँ खोला जाए, मैं आई एम रेफरिंग इट। आपने अहम बात की है तो आपको भी इनवाइट करें। मेरी बात ये है कि साल में लाखों ज़ायरीन जाते हैं जी, तो आप वहाँ आप जाइएगा जी। मुख्तसर रखें, बिजनेस अभी खत्म करने लगा जी, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमारी हुकूमत को, हमारे वजारत दाखिला को, हमारी वजारत खारजा को, रिलेटेड जितने भी हमारी वजारतें हैं, इनको अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए। सारा साल ज़ायरीन जाते हैं, इनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, ये इंसल्ट है, तोहीन है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनकी फ्लाइटें मिस हो गई। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी होना फख्र समझना चाहिए, और ये भी हमें यूज तो नहीं जाना चाहिए कि हमारा कोई पासपोर्ट ले ले हम चुप हो जाए और हम ये मिशन। जी थैंक यू, आपका पॉइंट हो गया सेनेटर साहब। बहुत एहतराम से आपसे गुजारिश करूंगी, केस कर दिया मैंने, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। नहीं अब प्लीज प्लीज, अब आप आधा मिनट ले जल्दी प्लीज। मैडम बहुत लोग इंतजार ना करें इतनी, मैं जब से सेनेट में, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। मैं फिर पिछली दफा मैं ही कर रही थी जब आपने बोला, तो यानी दो मेरे सर पे आप ओके। तो ऐसा है कि देखें, हमारे सेनेट उधर जो दोस्त बैठे इधर बैठे आए, हम अपने आवाम के लिए उठें, अपने आवाम के हकूक की जंग लड़ें। कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, आइन की रूह के खिलाफ हो। कोई ऐसा काम हम ना करें। और ये हो रहे मैडम, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। वो कवानीन जो पाकिस्तान के आवाम के हक में हो वो बनाए जाएँ, और लोगों को देखकर कानून बनाना, पहले आप इलेक्शन एक्ट बनाया फिर उसको तरमीम की, क्यों ऐसा हम करते हैं? आप जब होमवर्क नहीं करते, मेरी गुजारिश है कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए, कंप्लीटली सबको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए क्या कानून बनाया जा रहा है, हम उसको पढ़ें, हमारे पास कोई राय हम वो दें। अचानक कानून बनाना, ये करना वो करना, ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी बात मैडम आपने कहा, मैं कहने लगा और आधे मिनट में करूँगा, आधे मिनट में। मेरे सारी सब दोस्तों से गुजारिश है मेरी बात सुने। आइन कहता है हाकमियत आला अल्लाह की है, आर्टिकल 62-63 को देखकर कहा जाए तो ये इक्तदार अमानत है उन लोगों के पास जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। अगर वो इलेक्ट होके नहीं आते, जबरदस्ती कब्जा करते हैं, तो ये गासिब हैं, ये गासिब हैं। इनको अल्लाह ने हक की हुकूमत नहीं दिया है, आइन और दस्तूर नहीं देता है, ये गासिब हैं। लिहाजा ये गैर, इनकी जायज़ ही नहीं है इनका बैठना सीटों के ऊपर, इनका फैसिलिटीज लेना, इनका कोई इकदाम जो है वो भी जायज़ नहीं है, खुदा की और आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा भी इलेक्टेड नहीं है, जो भी रिगिंग करके आता है, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह की अमानत जो इख्तदार है उसको मिले। ओके सेनेटर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी मैंने नोटिस किया है, अभी मैंने नोटिस काफ़ी देर से, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी फरमा रहे हैं, देखिए प्रेस गैलरी ने वॉकआउट किया हुआ है, और आपकी कोई बात फिर रिपोर्ट नहीं होगी। बेहतर है कि यहाँ से दो तीन लोग